हेलो फ्रेंड्स, आज तो मैं यहाँ पर आपको एफएनओ की भाव कॉपी से जो मोस्ट एक्टिव फ्यूचर कॉल्स एंड ऑप्शन की इसके बारे में सिलेक्टेड स्टॉक के बारे में बताऊंगा। लेकिन ये सब पॉसिबल है हमारे एक्सेल द्वारा जो हमने डिज़ाइन की हुई है। और मैं काफ़ी बार मतलब अपनी वेबसाइट पर money99.in पे और गूगल ड्राइव पे अपने हर वक्त मैं अपडेट करता रहता हूँ रोज़। तो आपने देखा भी होगा उसमें जो मोस्ट एक्टिव फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉल, तो ये मैं आज आपको लाइव में दिखा रहा हूँ कल के लिए, 3 अप्रैल के लिए। तो मैंने तो अभी ये डाउनलोड की कॉपी आज की, और यहाँ से मैं अभी फ़िल्टर करूँगा। फ़िल्टर करने के लिए मैंने सिलेक्शन किया है अप्रैल महीने का और 26 अप्रैल का एक्सपायरी, और मैं कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने सिलेक्ट किए हुए 100 कॉन्ट्रैक्ट्स के अबव, मतलब मोर देन जिसका 100 का कॉन्ट्रैक्ट्स होगा वही रहेंगे, बाकी सब निकल जाएंगे। और ये मैं डाटा अभी कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने शीट में पेस्ट करूँगा यहाँ पर। पर मैंने कॉपी कर लिया और ये पेस्ट कर लिया। अभी ये डाटा तो पेस्ट हो गया। अभी इसके बाद में मुझे आना है, ये शीट अपडेट करनी है। ये शीट अभी अपडेट हो गई। अभी हमें ये फ्यूचर के कॉल बताएगा, मतलब बाय वाले कौन से स्टॉक है। तो अभी तो फिलहाल आज कल के लिए ये निकल के आया है, जस्ट डायल, हेक्सावेयर। मैं इनमें से 5 ही स्टॉक चुनता हूँ आपके लिए, और ये यही पर आप अपडेट करता रहता हूँ। शॉर्ट वाले कौन से हैं वो भी दिखाता हूँ। शॉर्ट वाला एक ही निकला है, सिर्फ कोल इंडिया का। बाकी एक क्लिक कर देता हूँ, और इसमें अभी कॉल ऑप्शन भी बता देते हैं। कॉल ऑप्शन में कौन से आए हैं, इसमें भी टाटा ग्लोबल, और फार्मा लुपिन का आ गया, एक और फार्मा जो है हीरो मोटोको, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस कैपिटल, ये 4 हो गए, 5 हो गए। देखिए अभी इसमें से 5 ऑप्शन अपने आ गए। टाटा ग्लोबल कौन से स्ट्राइक प्राइस को आपको लेना है, और फार्मा लुपिन, हीरो मोटोको, एचडीएफसी बैंक। और अभी एक पुट वाले देखेंगे, मंदी वाले कौन से ऑप्शन बाकी। इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई के आ रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आपको आपका जो इंट्राडे में आपकी जो टेक्निक होगी ना, तो वो आप उस पर लगाकर फॉलो कीजिए ये पर्टिकुलरली, क्योंकि मैं यहाँ पर से आपको स्टॉक सिलेक्शन बता रहा हूँ कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है या क्या करना है। तो और ये जो टारगेट्स वगैरह जो निकल के आए इसके साथ में स्टॉप लॉस, और ये सब ज्ञान के ऊपर अवेलेबल है, ज्ञान के ऊपर डिपेंड्स है सब। मतलब जब भी कोई फिगर क्रॉस होती है तो इसके ऊपर ही ऑटोमेटिकली ज्ञान लेवल आ जाते हैं, और स्टॉप लॉस भी इसके पिछला रहता है। तो अभी आप ये देखेंगे, इसमें एक बात बताना चाहूँगा कॉमनली की, जैसे अभी बाय मोड हम बता रहे हैं, यहाँ पर 5 स्टॉक तो आ गए, तो इसमें जो भी कॉमन ऑप्शन होगा ना, मतलब फॉर एग्जांपल जस्ट डायल, एग्जावेयर, इंडिया सीमेंट है, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि ज़्यादा करके जस्ट डायल का कॉल है क्या, एग्जावेयर का है क्या, वो भी नहीं है, इंडिया सीमेंट्स का है क्या, स्कॉट का। मतलब अगर ये 5 में से अगर ये पहले आ जाते हैं इसमें से कोई ना कोई, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो फ्यूचर और ऑप्शन दोनों मैच हो जाते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप वो फोकस करें उस पर इंट्राडे पे।
अगर हम कोल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन कोल इंडिया का नहीं निकला है, क्योंकि सिर्फ ICICI बैंक, एक्सिस बैंक की ये कुछ निकले, तो आप ये भी देख सकते हैं इंट्राडे के लिए कल के लिए। और ये आपको अपने हिसाब से जो आप इंट्राडे में टेक्निक यूज़ करते हैं, 4 डे के, 15 मिनट, जो भी आपको लेवल वगैरह देखते होंगे, तो आप उसके हिसाब से कीजिए। इसमें आपको श्योरिटी ज़्यादा मिलेगी कि ये स्टॉक नीचे की तरफ चांसेस, अगर गया ना तो ये नीचे ही जाता है, नहीं तो अनलेस ये ट्रिगर ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात बा, बात करूँ कि ICICI बैंक का, अगर इसने पुट बोला है कि अगर ये पॉजिटिव ट्रिगर 9.77 के ऊपर जाता है तो ये 10.56, अगर ये इसकी पॉसिबिलिटी है, वजह देखिए, एक तो ये गैप अप ओपन हो जाएगा, नहीं तो अनलेस आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा कहाँ पर भी, तो आप ये देख सकते हैं। अगर इसके लेवल के अंदर है तो आप उसको आप ट्रैक करने की कोशिश कीजिए चार्ट के ऊपर, या जो भी आपको, जो भी आपकी इंट्राडे मेथड होगी वो आप उस पर लगा कर देख सकते हैं। तो ये तो हो गए कल के स्टॉक, आप देख लेना। मैं अभी साइट पर अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे money99.in पर।